हम लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को वहाँ से उजाला जा रहा है। मुंडेरवा में खाली स्थान पर अग्निशमन केंद्र बनवाए जाने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश बस्ती से बड़ी खबर में आपको बता दे, नगर पंचायत मुंडेरवा वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर राजसो ग्राम बढ़ौनी उर्फ शिवपुर के नागरिकों ने सभा सदों और सरदार सेना के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के जिला अधिकारी से वार्ता कर अग्निशमन केंद्र किसी अन्य खाली भूमि पर बनवाए जाने की मांग किया। बढ़ौनी उर्फ शिवपुर निवासी जुगल किशोर चौधरी ने बताया कि नगर पंचायत मुंडेरवा वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर में जहां सैकड़ों वर्षों से लोग बसे हैं और कच्चा पक्का मकान भी बनवा लिया है, उस गाटा संख्या 419/0.404 सेक्टर भूमि पर अग्निशमन केंद्र बनवाए जाने का प्रस्ताव कर दिया गया है। ऐसे स्थिति में कई मकान ध्वस्त हो जाएंगे और उनके परिवार को खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करना पड़ेगा। देखिए, नगर पंचायत मुंडेरवा से वार्ड नंबर 3 बढ़ौनी शिवपुर की आम जनमानस माताएं भी आए हैं और नौजवान भी आए हैं। हमारे 10-12 जो सभासद हैं सारे लोग यहां जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं। वहां पे वार्ड नंबर 3 में एक फायर स्टेशन बन रहा है जिसको बस्ती प्रशासन ने उस ज़मीन को चिन्हित किया था, लेकिन वहाँ के वार्ड के लोगों का कहना है कि यहाँ पर फायर स्टेशन ना बनाया जाए, क्योंकि कई पीढ़ियों से वहाँ पे दर्जनों ऐसे मकान हैं जो लोग बना करके वहाँ पे रह रहे हैं और उन लोगों के पास एक भी दूर ज़मीन नहीं है। तो सरकार से हम लोग मांग करने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा गया जिलाधिकारी बस्ती के द्वारा, और अभी हम लोग माननीय सभासद और हम लोग गए वहाँ जिलाधिकारी महोदय से बात किए। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिलाया है कि आज हमारी टीम वार्ड नंबर 3 में जा रही है और जांच करके हमको आख्या प्रेषित करेगी। निश्चित तौर पे जो वार्ड नंबर 3 के लोगों की मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी ये बलिया में एक प्रकरण हुआ, उसके संबंध में क्या? देखिए, ये तो बलिया में जो प्रकरण हुआ वो यही था कि पुलिस पे आरोप लगता था कि पुलिस धनुगाही का कार्य करती थी। वहाँ के SP, वहाँ के ASP, वहाँ के CO, वहाँ के SHO, वहाँ के चौकी इंचार्ज सबको लाइन हाजिर कर दिया गया, सबको सस्पेंड कर दिया गया। तो जैसा कि मेरा मानना है, देखिए मुंडेरवा के लोग भी आए हैं, तो तमाम बस्ती जनपद के थानों में हमारे जो गरीब जनता है उनके साथ आए दिन पुलिस विभाग के द्वारा शोषण हो रहा है, उनसे धन उगाही का कार्य पुलिस विभाग के द्वारा बस्ती जनपद में किया जा रहा है। लेकिन अगर बस्ती के तत्कालीन SP महोदय जांच करवा लें तो कई SHO एक लाइन से सस्पेंड हो जाएंगे। मांगे ना पूरी होने पे आप लोगों की क्या? देखिए, मांगे अगर नहीं पूरी होंगी तो जनता से बढ़ करके इस देश का ना तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ना इस देश का कलेक्टर बड़ा होता है। इस देश में आम जनमानस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सारे लोग मिल करके एक बड़े आंदोलन के लिए बात होंगे। हमारे साथ जुगल जी हैं जो हमेशा नगर पंचायत में एक्टिव रहते हैं, हमारे सभासद लोग हैं, हमारे विनय जी हैं, तमाम ऐसे आप देख रहे होंगे सैकड़ों माताएं बहनें और पिता तुल बुजुर्ग आए हैं। तो मैं निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी वहां सरदार सेना आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और आपको जब तक न्याय नहीं दिला देगा तब तक बैठने का काम नहीं करेगा। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम बृजेश पटेल है, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और सरदार सेना सामाजिक संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूं। क्या नाम है? हम लोग कहाँ से उजारा जा रहा है? बढ़ौनी से। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का घर वहाँ से उजाड़ा ना जाए। लगभग कितने वर्ष से आप लोग वहाँ रह रहे हैं? हम लोग वहाँ 300 वर्ष से रह रहे हैं। 300 वर्ष से? आप लोग जिला अधिकारी से मुलाकात किए हैं? नहीं, हम लोग नहीं किए, वो हम लोग यहाँ नहीं कभी आए थे। हम लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है। हम लोग को खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है, मजदूरी करके खाते हैं रहते हैं। क्या परिचय है सर आपका? वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर के सभासद हैं जी। मेरा नाम हरिचंद भारती है। आज आपने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे आप आए हैं,
ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? जी ज्ञापन दिए, उन्होंने कहा उचित जगह हम देख करके वो तफ्तीश करा करके। क्या परेशानी है आप लोगों की? अरे वहाँ 500 घर हैं जी, वहाँ वो इस तरह की जमीन नहीं है जी, कुछ एयर की वहाँ पोखरा है तो पोखरे में बन नहीं सकता है। हाँ। इसलिए डीएम साहब ने ही कहा कि उचित जगह हम देख करके जाँच करवा करके उचित जगह दिलवा करके वहाँ बनेगा। नंबर की जमीन है या बंजर है? ये सब घर वाली जमीन है जो डी होती है। अरे हम लोग सैकड़ों वर्ष पुरानी होगी, हम लोग को क्या होगा। हम लोग चाहते हैं कि उचित जगह देके वहाँ घर न गिराया जाए, वहाँ हटा करके बनाया जाए कहीं और जगह। जो ये डी एम साहब यही कहें कि हम उसको जांच करवा करके उचित जगह देके बनवा बनेगा। राजेश राम चौधरी जी, क्या परेशानी है सर? आज आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पे आप आए यहाँ पे, जिलाधिकारी महोदय को परेशानियां जो है प्रेषित कर किया जा चुका है और यह परेशानी वह पीड़ा असहनीय है। क्या मामला है पूरा वहाँ? मामला यह है कि गलत तरीके से, कूटरचित तरीके से मौके के लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल कानूगो और जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये अनदेखी करते हुए जो जमीन खाली नहीं है उसी जमीन को जो है फायर ब्रिगेड में दे दिए हैं। ये अंधे हैं, इन लोगों को समझ नहीं आती है। पहले ज़मीन जांच करिए और ज़मीन जांच करने के बाद तब काम, तब उसके बाद आप प्रस्ताव रखिए। ये प्रस्ताव सरासर अन्याय है। हम प्रशासन से मांग करते हैं इसकी तत्काल जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद तत्काल इसको निरस्त किया जाए और जो संस्था वहाँ फायर ब्रिगेड बनाया गया है, अगल बगल जो खाली ज़मीन है वहाँ रखा जाए, वहाँ का प्रस्ताव दिया जाए। और मैं जहाँ तक मुझे मेरे संज्ञान में है, प्रस्ताव कहीं हुआ है कूटरचित तरीके से नंबरान कह कह गए के रूप में चेंज कर दिया गया है, यह और जांच का विषय है। अगर ऐसा किया गया है तो जो निचले स्तर के अधिकारी या कर्मचारी जो अनदेखी करके काम किए हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए, अन्यथा आगे आने वाली भी कभी भी ऐसी गलती ना कर सकें। मैं, मेरा नाम विनय चौधरी, मैं सरदार सेना जिला अध्यक्ष हूँ बस्ती का। सर यहाँ पे आप लोगों यहाँ पे जो है क्या समस्या ये है कि नगर पंचायत मुंडेरवा में जो वार्ड नंबर 3 है वहाँ आबादी क्षेत्र में ये फायर ब्रिगेड स्टेशन लगाया जा रहा है जो कि एकदम अनुचित है। ये हमारी माताएं बहनें देखे हैं, ये सब इतने वर्षों से वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इन लोगों को उजाड़ दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ अगर अभी डीएम साहब से मुलाकात हुई है, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सरदार सेना इस मामले को लेके अनिश्चितकालीन वो करेगी हड़ताल। धरने पे हम लोग बैठेंगे, वो संघर्ष जारी रहेगा। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन अभी मिला है कि अभी यहाँ से एक टीम भेजी जा रही है वहाँ पर देखने के लिए, और अगर आगे कुछ नहीं किया गया तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगी। मेरा नाम जी विनय चौधरी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सरदार सेना का। क्या कुछ प्रकरण है जो आप लोग यहाँ पर एकत्रित? सर हमारे यहाँ नगर पंचायत मुंडरा वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर बढ़ौनी सुपर में जो फायर स्टेशन के नाम से जमीन अधिग्रहित हुआ है वहाँ फायर स्टेशन बना जा रहा है, सैकड़ों दर्जनों घर गिर जा रहे हैं जो उनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है। हम जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उस जमीन को के स्थान पर दूसरी जमीन चिन्हित करके बनाया जाए और गरीब भाइयों का मकान ना उजाड़ा जाए। हमारा नाम जुगलकिशोर चौधरी है, नगर पंचायत मुंडरवा वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर। क्या परिचय है आप? अरे हम वार्ड नगर पंचायत मुंडेरवा के वार्ड नंबर 10 के सभासद हैं, राधेश्याम पाल। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग है जो वार्ड नंबर 3 की आम जनता है उनके कुछ मकान उसमें प्रस्ताव में चेयरमैन के द्वारा भेज दिया गया है, उसमें उस नंबर में मकान बने हुए हैं और मकान सैकड़ों बरस पुराने हैं, वो सरकार न गिराए। क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम पैमाइश करा के उसमें मौके पर क्या है उसके बाद हम तब कुछ करेंगे कार्रवाई। ठीक है चाची, हमारे फूलपति ना है। क्या परेशानी है आज आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय पे आप आए? ये परेशानी है, घर द्वार उजाड़ देता हूँ। ये किस जगह? वही बढ़ौनी, उसी पर बढ़ौनी पे। अच्छा, उसी पर। हाँ। लगभग कितने वर्ष से रह रहे हैं? हम 80 साल से माटिया से नाई बाटी हैं। चाहती क्या है? चाहता यहाँ पर हमारा ही रहा, कहूँ जाए। हाँ।